मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे माताओं, बहनों, भाइयों एवं बहनों, इस देश के 125 करोड़ देशवासियों, आजकल टीवी चैनलों पर हर छोटी छोटी बातों पर मैं डिबेट सुनने को देखने को मिलता है और मैं कभी उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी बात रखना चाहिए। और मेरा नाम सूरज भान सिंह है, मैं बिहार के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ जो खगड़िया जिला में है, और मैं अपनी बातों को एक माध्यम के जरिए मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं आपसे। अपने देश में जो डिबेट हो रहे हैं उसमें जो अपने देश का जो संविधान है, जो फर्स्ट पेज है, जो संविधान का फर्स्ट पेज है, उसमें मौलिक अधिकार के बारे में लिखा है। हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, उसे मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उसे हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं और अपने एग्जाम्स को पास करते हैं, लेकिन उसका जो सही चीज हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए उसे हम उतार नहीं पाते हैं। उसमें लिखा है मौलिक अधिकार में 5 हमारे मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर 14 से 16 में दिया हुआ है। समानता यह है कि इस देश का कोई सा भी नागरिक हो, इस देश के दलित हों, पीड़ित हों, शोषित हों, वंचित हों, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे अगर स्वर्ण समाज के लोग हों या पिछड़े समाज के लोग हों, दलित हों या कोई सो भी हों, सभी नागरिकों के संविधान के हिसाब से एक जैसी नागरिकता दी गई है। लेकिन क्या इस देश में छोटी जाति पर अत्याचार होता है या नहीं होता है? समानता का जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, क्या ऐसी हकीकत इसकी मुझे जमीन पर नहीं दिखाई देती है? इसका क्या कारण है? या तो हम संविधान को नहीं मानते हैं या तो हम समझते नहीं हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता हमारी यह है कि इस देश में इसका जो अनुच्छेद है 19 से 22 में है, स्वतंत्रता मुझे इस देश में यह है कि मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मैं कहीं भी निवास कर रहने की आज़ादी है, स्वतंत्रता बोलने की है, लेकिन एक आज़ादी भी है, एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो कि एक लिमिटेशन है। देश के खिलाफ बोलना ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है। लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि देश में जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता अपने अब अगर हम कुछ समाज में रह करके कुछ गलत हो रहा पर उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर देश के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का हम हनन कर रहे हैं। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं। मुझे कभी कभी देखकर ऐसा लगता है इस देश में संविधान को पता नहीं लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। मुझे काफी अफसोस होता है, जो कि हमारे संविधान को मानने वाले लोग हैं जो कहते हैं हम मानते हैं, लेकिन जब उनकी भाषा में सुनता हूँ मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ये नहीं मान रहे हैं और स्वतंत्रता का बिल्कुल जो गलत इस्तेमाल है लोग उठा रहे हैं, कर रहे हैं देश के तमाम इलाके में। और तीसरा हमारा है शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण यह है कि इस देश में महिलाओं का शोषण होता है, बच्चों का शोषण होता है, गरीबों का शोषण होता है, पीड़ित का शोषण होता है, बूढ़े का शोषण, बुजुर्गों का शोषण, अपने घर में शोषण हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ क्या लोग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कारण क्या है? कारण यह है, ये सिर्फ हमने पढ़ी है, इसके बारे में क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है मैं जानना नहीं चाहता, या मैं जानता हूं तो मैं बोलना नहीं चाहता, अगर मैं बोलना चाहता हूं तो मैं बोल नहीं पाता हूं। ऐसे तमाम कारण हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा चौथा हमारा है कि जो सांस्कृतिक है, हमारे जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार के बारे में हम बताना चाहते हैं। शिक्षा का अधिकार इस देश के सभी लोगों को प्राप्त है, इसके लिए हमारी पुरानी पूर्ववर्ती सभी सरकारें ने कोशिश की है कि देश में शैक्षिक व्यवस्था लाई जाए, लेकिन इसके तमाम प्रयास के बावजूद भी काफी कुछ हद तक सफलता नहीं मिल पाई है। सांस्कृतिक अधिकार है इस देश का जो कल्चर है, इस देश का जो धर्म है, इस देश की जो अपनी जो एक समृद्धि है, देश की अपनी संस्कृति है जिसके हिसाब से हमें चलना है। इस देश के कानून में सभी धर्मों का सम्मान है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन धार्मिक अधिकार का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि किसी की दूसरे धर्म को जबरदस्ती बदलवाना, धर्मांतरण कराना और धार्मिक मुद्दों को लेकर के आपसी मतभेद करना, जो तमाम देश में आजकल देखने को मिलता है मुझे। और हमारा पांचवा अधिकार है संविधान के उपचारों का अधिकार। तो इसका जो अनुच्छेद है आपको इसमें इसके बारे में भी आगे देखने को मिलेगा, आप जब पांचों मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस देश के सच्चे देशभक्त हैं तो देशभक्त का मतलब होता है सेवा, त्याग और पीड़ा। पीड़ा तो तब भी होती है जब भूख लगती है, पीड़ा तब भी होती है जब इस देश की सेना मर जाती है, पीड़ा तब भी होती है जब कोई गलत बात बोल जाता है, लेकिन सेवा
सेवा जो त्याग है, ये सेवा और त्याग की जो भावना है लोगों के अंदर दिखती नहीं है आजकल। आजकल सिर्फ यही दिखता है पैसे कहाँ है, इंसान पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। देशभक्ति सिर्फ बोलकर साबित नहीं होती है, और देशभक्ति को दिखाने के लिए बताना नहीं पड़ता कि मैं देशभक्त हूँ या नहीं हूँ, मुझे इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन जो देश में मैं देख रहा हूँ, तो देश में हर समाज एक दूसरे को तोड़ने में लगा है। देश की राजनीति ऐसी है कि वो राजनीति हमेशा चाहती है उसको अलग रखें, उसको अलग रखें, इस समाज को तोड़ें, इस समाज को अलग रखें। क्या देश में अगर यही नियम है, अगर यही इस तरह का राजनीति चलेगी तो क्या इस देश का भला हो जाएगा, सवाल है। राजनीति में आने का मतलब होता है कि राजनीति मतलब होती है, राज मतलब होता है शासन, नीति मतलब नियत पॉलिसी। इस देश की पॉलिसी मतलब इस देश का संविधान, राज मतलब इस देश का सेवक चाहे इस देश का जो शासक है, जो आज लोकतंत्र में जिसे हम तमाम प्रधानमंत्री चाहे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हम जानते हैं समझते हैं,